हाय फ्रेंड्स, आज हमारे अनोखा किचन में बन रहा है छेना बर्फी। तो चलिए स्टार्ट करते बनाना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रेसिपी आप सबको मिलती रहे। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है और हम इसे पनीर से बनाएंगे। फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। अभी सावन का महीना चल रहा है, व्रत व्रत भी रहता है, तो आप आराम से घर पर बना के फ्रेश खा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बहुत ही जल्दी बन के रेडी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ऐसा बर्फी बनाएंगे हम छेना बर्फी के हाथ में लेते ही बिखर जाए, मुंह में जाते ही घुल जाए। ऐसा ही बर्फी बनता है। ऐसे तो ये अलग अलग हलवाई लोग अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, हम थोड़ा सा कढ़ाई में पानी डाल दिए ताकि हमारा दूध पकड़ेगा नहीं। हम इसमें डाल रहे हैं आधा लीटर दूध। इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा करेंगे, इतना कि जितना आधा हो जाए दूध हमारी। हर जगह छेना बर्फी अलग अलग स्टाइल में बनता है, फिर भी स्वादिष्ट होता है। लेकिन आप हमारे बनाए बताए तरीके से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी बन के तैयार होगा। देखिए, हमारी दूध गाढ़ी हो रही है। देखिए, हम पनीर लिए हैं, इसे बारीक वाला घिसने वाला है उससे घिस लेंगे, नहीं तो हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। लेकिन देखिए, हम घिस रहे हैं इसको, घिसने से अच्छे से घिस जाता है। बारीक वाला से हम घिस लेंगे। देखिए, फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा हमारा छेना बर्फी। देखिए, ये मैंने हाथ से दिखा देने मसल के, देखिए हाथ से भी मसल के आप बना सकते हैं। ये मैंने घिस के भी ले ली हूँ। देखिए, दूध हमारा गाढ़ी हो गई है, आधा दूध हो गया है बिल्कुल। अब इसमें शक्कर डाल रहे हैं मीठे के अनुसार, ज्यादा शक्कर नहीं डालेंगे हम। देखिए, छोटा चम्मच है नॉर्मल खाना खाने वाला, इससे हम 5-6 चम्मच डाले हैं। आपको मीठा थोड़ा ज्यादा चाहिए तो 1-2 चम्मच बढ़ा लीजिए, ज्यादा नहीं। चीनी डालें तो थोड़ा सा और पक जाए हमारा दूध और शक्कर। अब देखिए, इसे भी डाल देंगे जो पनीर हम घिस के रखे थे। गैस को मीडियम आंच पे ही रखे हैं, इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। इसे तब तक चलाएंगे कि अच्छी तरह से हमारा पनीर दूध में मिल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। देखिए, हमारा बर्फी पकने लगा है जो दूध और पनीर डाले थे अच्छी तरह से। देखिए, बिल्कुल हो गया, हमारा बर्फी तैयार हो गया है। देखिए, ऐसे ही स्टेज पर हम उतारेंगे इसको, थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर, पूरा अच्छी तरह से नहीं सुखाएंगे। पूरा सुखाने के बाद अच्छा नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा रसीला ही रखेंगे तो खाने में बर्फी अच्छा लगता है। देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी है हमारी छेना बर्फी। एक छोटा सा थाली लिए हैं। देखिए, हम अच्छी तरह से पूरा सुखाए नहीं है, इसमें थोड़ा सा घी लगा दे रहे हैं। अब इसमें इसको सेट कर देंगे। अभी से 2-3 घंटे के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से जब सेट हो जाएगा हम इसे काटेंगे। अच्छे से सेट हो रही है हमारी बर्फी।
ये देखने में ही रसीला लग रहा है, पूरा अच्छी तरह से हम सुखाए नहीं है इसको। इस पर थोड़ा सा डाल देते हैं बारीक कटा हुआ पिस्ता, अब चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें, वो अपनल है। अब चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, सब सावन के महीना में त्यौहार ही त्यौहार है, तो आप सब बना के जरूर खिलाइए खाइए। बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इसको रख देते हैं हम सेट होने के लिए। चलिए हमारी बर्फी सेट हो गई है, जब हम इसे काट ले रहे हैं अच्छे से। देखिए बहुत ही आसानी से कट जाती है बर्फी। छेना बर्फी ऐसा होना चाहिए एक मुंह में जाते ही घुल जाए, हाथ में लेते ही बिखर जाए छेना बर्फी, वही बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको कहीं कहीं आदमी कालाकंद भी, आदमी हलवाई लोग को बोलते हैं, कहीं इसको कालाकंद बोलते हैं, कहीं छेना बर्फी बोलते हैं। बनाने का अलग अलग तरीका स्टाइल भी है बर्फी बनाने का। देखिए कितने अच्छी तरह से हमारी बर्फी कट के तैयार हो गई है, देखिए सेट भी हो गया है कितना अच्छा। बस इसे बना के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दे, सेट हो जाता है अच्छी तरह से। चलिए इसे दूसरे बर्तन में सर्व कर लेते हैं। इस रक्षाबंधन पे आप सब जरूर बनाइए खाइए, अपने भाइयों को खिलाइए, और हमें कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिए। लीजिए हमारी बर्फी बन के बिल्कुल तैयार है, आप सभी बनाइए और एंजॉय कीजिए। देखिए कितनी मुलायम बना है बर्फी।